सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज आल्सो वेरी इजी। अब आप सोच रहे होंगे कि अब मैं तो हर एक क्वेश्चन को इजी बोलता हूँ, बट लिटरली ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। लिखा है क्वेश्चन में, री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म हमने काफी बार पढ़ लिया है, हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही इनको कन्वर्ट करना है। अब देखो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, -8/6, तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आगे और कट हो सकता है। तो देखो दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, 2 3 6, 2 4 8, तो ये क्या हो गया -4/3। अब कुछ पॉसिबिलिटी है? नहीं। अब ये 4 है, ये 3 है, तो दोनों कट नहीं होंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बस हो गया, इतना ही करना है। तो था काफी इजी क्वेश्चन। अब देखो पार्ट 2, 25/45। तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि दोनों 5-5 के टेबल में कट हो रहे हैं। 5 5 is 25, 5 9 5/9, आगे कुछ इसका होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 5/9। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आपको तब तक कट करते जाना है तब तक कुछ अब आगे आपका कैलकुलेशन ना हो। जैसे 5/9 कुछ भी नहीं हो सकता, -4/3 कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखो -44/72, सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी। 44 और 72, तो दोनों 4 के टेबल में जाएंगे, 4 11 4 1 कैरी कितनी बचेगी, 3 and 4 8 is 32, सो कितना आ गया -11/18। अब आगे कुछ कट हो रहा है? कुछ भी कट नहीं हो रहा है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो लास्ट -8/10, तो दोनों 2 2 के टेबल में जा रहा है, सो 2 4 2 5, बट कौन सा माइनस का, माइनस साइन आपको याद रखनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी में माइनस साइन पुट करना मत भूल जाना। सो 4/5 दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस वाज एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन।